हेलो मित्रों, आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं पर्यावरण दिवस पर कुछ पोस्टर भी बनाई हूँ पेड़ के नीचे बैठकर। तो मतलब एक मेरी अपनी रचना कल्पना थी, वो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने साझा किया हूँ। प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि आप लोगों को कैसे लगे। चलिए, पर्यावरण दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं और हम ये आशा भी आप लोगों से करते हैं कि हमें प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का दशहरा, दीपावली, होली जैसे त्योहारों से भी बढ़कर है, क्योंकि हर त्यौहार में कहीं ना कहीं जो है मतलब प्रदूषण फैलता है। और पर्यावरण दिवस वाले दिन हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कसमें खाते हैं और हमको ये प्रतिज्ञा भी करना चाहिए कि हम प्रतिवर्ष 5 जून को कम से कम, कुछ नहीं कर सकते हैं अपने देश के लिए तो कम से कम हमें किसी पार्क में, घर पर, अगल बगल कोई भी ज़मीन मिले तो हमें प्रतिवर्ष जो है एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, है ना। हम हर त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन भी मनाते हैं, तो ये पर्यावरण दिवस हम क्यों नहीं धूमधाम से ना मनाते हैं। ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारे देश का, जब पर्यावरण ठीक रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो अभी हमारी ज़िंदगी भी ठीक रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे। हमें इन्हीं पेड़ पौधों से ही अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, जैसे कि पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, हैं, ये सभी से हमें जो है मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तो इसीलिए, और शुद्ध वायु भी मिलती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई सभी पेड़ भाई पेड़ कोई सभी पेड़ हमें हर वर्ष प्रतिवर्ष लगाना चाहिए, जिससे कि, और हम 100 लोग हैं, अगर अपने अपने हाथों से एक एक पौधा लगाएं, सिर्फ एक एक पौधा लगाएं, तो कितने 100 पौधे होंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें स्वयं तो लगाना चाहिए, अपने अगल बगल और मित्रों से भी कहना चाहिए कि पर्यावरण दिवस वाले दिन हमें एक पौधा लगाना चाहिए। ये हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ज़रूर लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे। जो लगा रहे हैं वो लगाते रहें, जो नहीं लगा रहे हैं प्लीज़ वो भी लगाएं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन है। देखिए, मैं कुछ लाइनों के द्वारा आप लोगों को व्यक्त करती हूँ, कुछ वाक्यों के द्वारा, कि हमारे लिए पर्यावरण जो है और कितनी मूल्यवान है हमारे देश की मिट्टी और पेड़ पौधे। जो देश अपनी मिट्टी को नष्ट कर देता है वह खुद को नष्ट कर लेता है, यानी कि जो देश जो है अपनी मिट्टी को नष्ट कर देता है वो खुद को ही नष्ट कर लेता है। जंगल हमारी भूमि के फेफड़े हैं, जंगल हमारी भूमि के फेफड़े हैं, वो हमारी हवा को शुद्ध करते हैं और लोगों को नहीं ताकत देते हैं, और लोगों को नहीं ताकत देते हैं। अच्छे जल और हवा में एक प्रवाह हो और प्रकृति के जीवित युवा में आप इसे खुद से या कर सकते हैं। शांति से जाएं अकेले, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हैं, हमारा कोई समाज नहीं होगा। अगर हम पर्यावरण को जो है नहीं बचा सकते हैं, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, तो हमारा खुद का कोई समाज नहीं होगा। इसलिए हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। चलिए, आज इसी पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम आप लोगों के सामने एक छोटी सी पोयम मतलब कविता लेकर आए हैं, मेरी प्यारी बगिया। देखिए, मेरी प्यारी बगिया, ये जो हम आपको मतलब वीडियो में फोटो दिखा रहे हैं हरे भरे पेड़ पौधों की, जी मेरी ही कुछ
हर मतलब छोटी सी बगिया जैसा है एक, मैं जो है हर पर्यावरण दिवस के दिन एक छोटा सा पौधा जरूर लगाती हूँ। देखिए, घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधे अनेक लगाए, घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधे अनेक लगाए, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उनको हरा भरा बनाया है। पत्ते लाल हरे से फूटे, कलियां उस पर खिल आईं, फूल फूल में से खुशबू निकली, सारी बगिया महकाई, घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधे अनेक लगाए, छिटके बीज यहाँ वहाँ फिर मेहनत मेरी रंग लाई, वर्षा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्कुराई, वर्षा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्कुराई, घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधे अनेक लगाया। यदि आप लोगों को मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ढेर सारे कमेंट करिएगा। और मैं आप लोगों से इस दिन आशा भी करती हूँ कि आप सभी लोग भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और हमारी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ अच्छा लगा हो या मेरे विचार कुछ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप लोग भी हवा, पानी, जंगल और जानवरों को बचाएं। और हम तो चाहते हैं कि सरकार को इसके प्रति कुछ ना कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का सवाल है। भविष्य में यदि हरा भरा भविष्य को यदि हरा भरा करना हो तो पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन भी हरा भरा रहेगा। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं हमारी अमूल्य निधि हैं, इन्हें हमें उसी प्रकार संजो के रखना चाहिए जिस प्रकार से एक स्त्री अपने गहने को संजो के रखती है, क्योंकि गहने तो नष्ट हो जाते हैं फिर उसको बनाया जा सकता है। यदि पर्यावरण असंतुलित हो गया तो उसको बनाया नहीं जा सकता है, यदि बनेगा भी तो कई जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमारा आप लोगों से मतलब अनुरोध है कि पर्यावरण के प्रति आप सभी लोग हाथ से हाथ मिलाकर इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। जो पेड़ पौधों को काट रहे हैं उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे और आपकी ज़िंदगी का सवाल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का सवाल है। एक पेड़ ही हमारे लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। पहले तो जब समाज इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था तो लोग कितने हरे भरे पेड़ पौधे लगाते थे। आज समाज पढ़ा लिखा है, 21वीं सदी में भी ये सब गलतियां क्यों कर रहा है कि पेड़ पौधे काट रहे हैं। उनको चाहिए कि अपने मतलब पेड़ पौधे लगाएं, नहीं यदि नहीं भी लगा रहे हैं तो कम से कम उनको काट कर उनके